गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 4 ऑफ इंग्लिश ग्रामर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. ओके, सो ओपन योर इंग्लिश ग्रामर बुक पेज नंबर 12. रीड दीज वर्ड्स. बिग हाउस, स्मॉल कैट, स्क्वायर बॉक्स, ब्लू बर्ड्स. द वर्ड्स इन ऑरेंज आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. दे टेल अस मोर अबाउट नेमिंग वर्ड्स. तो जो भी ये ऑरेंज कलर्स में है वो क्या है? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है. मतलब कोई भी नेमिंग वर्ड है उसके बारे में. जैसे हाउस है तो वो हाउस नेमिंग वर्ड है, तो उसके बारे में क्या डिस्क्राइब कर? ब्यूटीफुल हाउस. तो वो क्या डिस्क्राइब कर रहा है? ब्यूटीफुल हाउस. तो ब्यूटीफुल क्या हो गया? ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हो गया. ठीक है. द हाउस इज बिग, द बॉक्स इज स्क्वायर, द कैट इज स्मॉल, द बर्ड इज ब्लू. रीड दीज सेंटेंसेस. ऑल द वर्ड्स इन ऑरेंज आर डिस्क्राइबिंग वर्ड. जो भी ऑरेंज कलर के वर्ड है वो क्या है? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है. मतलब नेमिंग वर्ड्स के बारे में बता रहे. जैसे हाउस क्या है? बिग है. बॉक्स स्क्वायर है. कैट स्मॉल है. बर्ड ब्लू है. ठीक है. उसी प्रकार यहाँ हाउस बिग है, स्मॉल कैट है, स्क्वायर बॉक्स है, ब्लू बर्ड है. तो ये सब क्या है? नेमिंग वर्ड को डिस्क्राइब कर रहे हैं. ओके. द लिटिल बॉय इज लुकिंग आउट ऑफ द बिग विंडो. द गार्डन आउटसाइड इज कलरफुल. इट इज फुल ऑफ रेड, येलो एंड पिंक फ्लावर्स. द ग्रास इज ग्रीन. देयर आर व्हाइट क्लाउड्स इन द ब्लू स्काई. तो ये जो लिटिल बॉय है वे ये विंडो के बाहर में बड़े वाले बड़े खिड़की से देख रहा है. ठीक है. और गार्डन क्या है? बाहर पूरा कलरफुल है. इट इज फुल ऑफ रेड, येलो, पिंक फ्लावर. मतलब गार्डन पूरा कलरफुल है, रेड येलो पिंक फ्लावर से भरा हुआ है. और जो ग्रास है ग्रीन है, और जो क्लाउड है ब्लू है, एकदम व्हाइट क्लाउड है ब्लू स्काई में. ठीक है. तो ये डिस्क्राइब कर रहा है जैसे लिटिल, बिग, कलरफुल, रेड, येलो, पिंक, ग्रीन, व्हाइट एंड ब्लू. तो ये सब क्या है? डिस्क्राइबिंग वर्ड है. ठीक है. तो डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या कहता है? ये नेमिंग वर्ड जो होता है ना उसके बारे में बताता है. ठीक है. आप लोग नेक्स्ट पेज पेज नंबर टर्न करेंगे 14. ओके. अब हम लोग इसको देखेंगे. रिमेम्बर, इसको आप लोग लर्न कीजिएगा. ठीक है. या नेमिंग वर्ड्स, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. ठीक है. हम लोग नेमिंग वर्ड्स देखेंगे क्या है, फिर डिस्क्राइबिंग वर्ड देखेंगे क्या है. नेमिंग वर्ड्स, नेम persons, place, animals and things. ठीक है. तो पहले हम लोग नेमिंग वर्ड्स को देखेंगे. तो नेमिंग वर्ड्स क्या होता है? नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग. जैसे बॉय, सन, ग्रैंडमदर, एप्पल, ऑरेंज, डॉग, कैट, हाउस. तो ये नेमिंग वर्ड क्या हो गया? नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. ये क्या हो गया? नेमिंग वर्ड हो गया. उसी प्रकार डिस्क्राइबिंग वर्ड के बारे में हम लोग देखेंगे. डिस्क्राइबिंग वर्ड्स टेल्स अस मोर अबाउट नेमिंग वर्ड. ये क्या करता है? नेमिंग वर्ड के बारे में डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में बताता है. ठीक है. जैसे यहाँ पे यंग बॉय, हॉट सन, ऑल ग्रैंड मदर, रेड एप्पल, स्वीट ऑरेंज, क्यूट डॉग, फैट कैट, न्यू हाउस. तो ये नेमिंग वर्ड के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है. जैसे बॉय हो गया नेमिंग वर्ड, तो ये यंग बॉय हो गया इसका डिस्क्राइबिंग वर्ड, इसके बारे में बता रहा है. ठीक है. जैसे एप्पल है यहाँ पे, तो यहाँ पे डिस्क्राइब क्या कर रहा है? रेड एप्पल. यहाँ हाउस है, ये नेमिंग वर्ड है, तो इसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है न्यू हाउस. ठीक है. तो हम लोग आज क्या देखे? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स के बारे में देखे. तो यदि कोई भी वर्ड नेमिंग वर्ड को डिस्क्राइब करता है तो वो क्या होता है? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हो जाता है. ठीक है. और यहाँ पे आप लोग देखिए नेमिंग वर्ड के बारे में, डिस्क्राइबिंग वर्ड के बारे में. होप आप लोग को समझ में जरूर आ गया होगा. आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखेंगे, आप लोग को समझ में आ जाएगा. अगर नहीं भी समझ में आ रहा, आप लोग इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा. और बुक रीड करना बहुत जरूरी होता है, 2 से 3 बार जरूर पढ़िएगा. ठीक है. ओके. थैंक यू.